हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हम यहां पर आपको मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ी हुई रेगुलर अपडेट हमेशा देते रहते हैं। आज भी यहां पर मुंबई एयरपोर्ट से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रही है। यदि आप दूसरे देशों से मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले हैं या फिर आप मुंबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं किसी भी केस में, तो यहाँ पर ये वीडियो आपके बड़े काम की हो सकती है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये पूरी जानकारी सही से समझ में आ सके। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर कौन सा नया नियम लागू हुआ है और ये नियम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि DGCA ने मार्च महीने में एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसके तहत जो लोग भी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है। यदि इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको एयरपोर्ट अधिकारी जो है गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको सिक्योरिटी गार्ड के हवाले किया जा सकता था। साथ ही साथ यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियाँ भी आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती थी जिसके तहत आप 3 महीने तक फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ये नियम अभी तक लागू थे, लेकिन अब यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट एक और नए नियम को लागू कर चुकी है जिसके तहत आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है यदि आप मास्क नहीं लगाते हैं या फिर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे दोनों सूरतों में आपको वहां पर एयरपोर्ट अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं और आपके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नया नियम आज से लागू हो चुका है। यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, नहीं तो आपकी गिरफ्तारी के साथ साथ आपको यहाँ पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं उनको यहाँ पर कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा और उनके लिए यहाँ पर कौन कौन सी अपडेट है, ये जानकारी हमने पहले भी वीडियो में दे रखी है। हम यहाँ पर दोबारा आपको अपडेट कर रहे हैं। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो देख रखी है तो इस वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप आगे आने वाले समय में मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो इस वीडियो का पूरा देख लें क्योंकि आपको एक बार फिर दोबारा से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहले, यदि आप दूसरे देशों से, जैसे कि यदि आप गल्फ़ में हैं, यूरोपियन देशों में हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले हैं, तो आपको जो है अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना बेहद ज़रूरी है। ये कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट आपको अपने साथ लेकर आने के साथ साथ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर एयर सुविधा पोर्टल में उसको अटैच करना भी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, एयर सुविधा पोर्टल में आपको लॉगिन करना है और वहाँ पर आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल के साथ साथ अपने कोरोना का रिपोर्ट भी वहाँ पर डालना पड़ेगा। एयर सुविधा पोर्टल में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो आपको हेल्थ डिक्लेरेशन मिलेगा, हेल्थ डिक्लेरेशन करने के साथ साथ आप वहाँ पर क्वारंटीन का एग्जम्पशन फॉर्म भी भर सकते हैं। ये दो काम आपको करने बेहद ज़रूरी हैं यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर आते हैं तो। इसके अलावा यदि आपने वैक्सीन लगा रखी है तो भी यहाँ पर आपको जो है कोरोना वायरस का रिपोर्ट लगेगा, और यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर आते हैं और आपको वैक्सीन के दोनों डोज लगी हुई है तो यहाँ पर आपको क्वारंटीन से एग्जम्पशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्वारंटीन का एग्जम्पशन केवल उन लोगों को ही दिया जा रहा है जो कि अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, प्रेग्नेंट महिला हैं, बच्चे हैं उनके साथ, बहुत छोटे बच्चे हैं, ऐसे सभी लोगों को यहाँ पर केस टू केस बेसिस पर एग्जम्पशन मिल जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको एयरपोर्ट अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ेगी और यदि वो आपकी बात से सहमत होते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर कई केस ऐसे भी आए हैं कि बहुत सारे लोग यदि इमरजेंसी बेसिस पर ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो गया है, तो यहाँ पर एयरपोर्ट अधिकारी उनको एग्जम्पशन दे रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से एयरपोर्ट अधिकारी से बातचीत करते हैं, उसके बाद ही एयरपोर्ट अधिकारी उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं। इसके ऊपर कहीं भी इन रिटर्न में नियम नहीं लिखा गया है कि आपको ये सारी क्राइटेरिया पूरा करोगे तो आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। एग्जम्पशन के लिए केवल एक ही शर्त है कि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी सूरतों में आपको जो है 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। इस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए आपको एयरपोर्ट अधिकारी जो है लिस्ट ऑफ होटल देंगे, उन लिस्ट ऑफ होटल्स में से आप कोई भी होटल चूज कर सकते हैं और ये जो होटल का जो कॉस्ट है वो आपको 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का पड़ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बात और आपको बता दें कि मुंबई में यानी कि पूरे महाराष्ट्र में इस समय लॉकडाउन को लाया गया है और ये लॉकडाउन जो है शाम के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक है। यानी कि यदि आप रात में ट्रैवल करने वाले हैं तो आप अपने साथ पर्सनल व्हीकल का इंतजाम पहले से करके चलें, क्योंकि यदि आप देर रात यदि मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर पर्सनल व्हीकल ना मिले। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो सके। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें,
क्योंकि हम यहाँ पर इस चैनल पर आपके लिए ऐसी रेगुलर बेसिस पर अपडेट लेकर आते रहते हैं।